हे गाइस, स्वागत है आप सबका पोकेमोन फायर एश के एपिसोड नंबर 57 में। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डिफीट कर दिया था कैनालेव सिटी के जिम लीडर बायरन को, जो कि हमारा सिक्स जिम लीडर था सिनो रीजन का। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने हमारे स्टारविया को विकसित कर लिया था स्टारैप्टर में लास्ट एपिसोड में। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोगों को सेवन जस्ट लाइक स्नो पॉइंट सिटी हम लोग आ चुके थे। लेकिन यहाँ पे जो ये दद्दू है वो बोल रहे कि आई सेंस अ प्रॉब्लम एट आयन आइलैंड, व्हाट कुड इट बी। तो आयन आइलैंड जाने के लिए आप लोगों ने मेरे को बता दिया था कि मेरे से गलती से लास्ट एपिसोड में एक क्वेस्ट छूट गया है, जो कि हम लोगों को आज के एपिसोड में पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को फिर से कैनालेव जाना पड़ेगा, और कैनालेव जाने के बाद हम लोगों को फिर से उस सेलर से बात करनी है जो कि हम लोगों को आज आयन आइलैंड पे लेके जाएगा। और वहाँ पे काइंड ऑफ मिशन है जो कि हमसे छूट चुका है, जो कि हम लोग अभी करेंगे, ऑब्वियसली बात है। ओके, यहाँ पे हम लोगों को एक आयरन प्लेट मिली, एंड लेट्स सी यहाँ पे ये क्या है, एक मास्टर बॉल। ओके, सही है। सबसे पहले तो हम लोग मैं आपको मेरी एक्सपी शेयर अभी है मेरे पास, दो दो है, कोई ज़रूरत नहीं दूसरे की। तो हमने ऑलरेडी एक किसी एक को तो जस्ट लाइक मैंने एक्सपी शेयर देके रखा है, जो कि थी स्टार एप्टर। तो अभी मैं इससे ले लूँगा, एंड हम लोग इसको किसको दें अभी। आई गेस एक्चुअली ऐश का जो चिमचार था वो मॉन्फेरनो में आज के एपिसोड में लगभग जस्ट लाइक जब ऐश सेवेंथ जिम मैच जीत जाता है उसके बाद मॉन्फेरनो इवॉल्व हो जाता है, एंड फिर वो चिमचार में भी इवॉल्व, चिमचार से जस्ट लाइक मॉन्फेरनो, और मॉन्फेरनो के बाद जस्ट लाइक जो भी था उसका आखिरी इवोल्यूशन इनफर्नेप में इवॉल्व हो जाता है, एंड टॉर्टेरा भी फुल इवॉल्व हो जाता है। एंड फिर आई गेस मतलब मेरे को इतना तो पता है कि ऐश ने आठवें जिम से पहले उसके टीम में एक गिबल था, एक टॉर्टेरा था, एक इनफर्नेप था, ब्यूजल तो ब्यूजल ही था, पीका जो था, एंड हाँ ग्लाइजर, जस्ट लाइक ग्लाइजर को रिप्लेस करके उसके पास गिबल आ चुका था। तो वो हम लोग करने की ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बैटल जैसी कुछ तो आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट लाइक काम कर लेते हैं, मॉन्फेरनो को आगे रख लेंगे। एंड यहाँ पे ये लुकारियो है, मे बी इसके पास एक लुकारियो हो सकता है, इसका नाम है राइली। ओके, राइली या फिर रिले जो भी नाम है। वेलकम टू आयन आइलैंड, यू मस्ट बी पावरफुल ट्रेनर टू बी हियर राइट नाउ, लेट मी सी व्हाट यू हैव गॉट। ओके, हमारी यहाँ पे रिले या फिर राइली के साथ बैटल हो रही है। ऑब्वियसली बात है इसके पास, मैंने ब्रिक ब्रेक की यूज़ किया, आई डोंट नो। एक मिनट, यहाँ पे इसने मेरा बहुत सारा एच पी ऑलरेडी खा चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका डिफेंस लो हो चुका था तो हम लोगों ने इसका फ़ायदा उठा के। यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल, थैंक यू ब्रो राइले, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर, यू डिजर्व दिस पावर ब्रेसर। ओके, यू माइट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हेल्प मी एक्चुअली, द ऑरा इज़ हियर, द ऑरा इन दिस एरिया इज़ मेस्ड अप, आई थिंक समवन इज़ बिहाइंड इट, लुकारियो एंड आई हैव टू फोकस ऑन कीपिंग द ऑरा एट बे, एंड वेन यू आर रेडी टू टॉक टू मी आई विल लेट यू इन द केव टू फाइंड द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, हम लोगों को पोकेमॉन पहली बात तो अभी हील करना पड़ेगा, यहाँ पे आई गेस कुछ तो अंदर कुछ तो हो रहा है, तो हम लोग सुपर पोशन से जस्ट लाइक, मेरे पास मेरे ज़्यादा हीलिंग आइटम्स तो नहीं है, लेकिन होपफुली हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, हम लोग आई गेस अभी हील हो चुके हैं, तो चलो आई विल लेट यू गो थ्रू द केव। ओके, अभी हम लोग आ चुके हैं केव के अंदर, यहाँ पे जस्ट लाइक टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे अंदर मस्ती कर रहे हैं, मस्ती आई मीन कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, ये लोग अच्छी काम तो करते नहीं हैं। तो चलो हम लोग ग्लाइजर को ऊपर रखेंगे, यार तू यहाँ पे नीचे आ जा ब्रो। ओके, सही है, चलो देखते हैं। हाउ डिड एनी वन फाइंड अस हियर, अरे वो जो बाहर रिले या फिर रायली नाम का लड़का है उसने बताया कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है, तो हम लोग आ गए। ओके, लेट्स यू स्टील विंग, अरे ये अटैक कभी लगता ही नहीं है, हर बार मिस हो जाता है, कोई बात नहीं। लो भाई, मैं पॉइजन भी हो गया, इसको कहते हैं गरीबी में आटा गिला। सुपरसोनिक, चलो कोई बात नहीं, जस्ट लाइक अच्छी बात तो यही है कि जस्ट लाइक मैं फेंट नहीं हुआ और ये नहीं हो गया पूरा, जस्ट लाइक कन्फ्यूज नहीं हो गया। एक गोल बैट और आ रहा है यार इनके पास, है ना, बहुत अनोइंग पोकेमॉन्स है। लेट्स गो विथ स्टारैप्टर एंड ट्राई करेंगे इनको डिफीट करने का। इसके पास भी ज़्यादा अच्छे अटैक्स तो नहीं है, लेट्स यूज़ विंग अटैक। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को इनकी ट्रेनिंग करा, अरे स्लज बॉम्ब से पोकेमॉन पॉइजन नहीं होता आई गेस, बट इस गेम में हो रहा है पॉइजन, बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो एरियल इसके साथ ख़त्म कर देते हैं, बट मेरे दो दो पोकेमॉन पॉइजन है क्या मेरे पास अभी, जस्ट लाइक दिक्कत की बात यही है कि जस्ट लाइक क्या मेरे पास बैग में एंटीडोट है, एंटीडोट तो होना चाहिए, फिर फुल हील तो होना चाहिए, नहीं तो जस्ट लाइक मैक्स रिवाइव एक ही है और कुछ तो है ही नहीं। ओ माय गॉड, मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात होने वाली है।
ओके ओके, आपके पास कुछ है भी कि नहीं? जस्ट लाइक ओके, एंटीडोट है, एंटीडोट है। मेरे दो दो पोकेमोन पॉइजन है। ओके, दोनों को मैंने सुधार तो दिया। ओके चलो आगे जाएंगे, लेट्स सी। एक और गोल बैट, ओके प्लीज़ हिट हो जा। ओके चलो हिट तो हो गया, काफ़ी अच्छी बात है। फिर से स्लज बॉम्ब, चलो इस बार अच्छी बात है कि जस्ट लाइक पोकेमोन पॉइजन नहीं हो गया। एयर कटर, ओके क्रिटिकल हिट लगा और उसी के साथ मेरा पोकेमोन फेंट हो चुका है। लेकिन अभी हम लोग आई गेस मॉनफेरनो को मैं नहीं बुला सकता यार, मॉनफेरनो के पास, मॉनफेरनो फाइटिंग टाइप भी है तो वो शायद से जस्ट लाइक चला जाए। लेकिन एक्वाजेट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे ब्यूजल को जस्ट लाइक लेवल अप करा सकते हैं। ब्यूजल एजिलिटी सीखना चाहता है, लेकिन आई गेस ब्यूजल की ऑलरेडी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। एक और गोल बैट, ओके लेट्स यूज़ एक्वाजेट। पोकेमॉन पॉइजन मत, ओ माई गॉड, काफ़ी कम डैमेज दिया इसने। हमने तो थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, काफ़ी कम डैमेज। ओके पोकेमॉन ही फेंट हो गया, इतना कम डैमेज कैसे दे सकते हैं पोकेमॉन, आई डोंट नो। लेकिन लेट्स यूज़ बाइट अटैक। ओके एयर कटर, यार गोल बैट इतना अनोइंग पोकेमॉन क्यों है गाइज, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ब्यूजल, ओहो आपको विकसित नहीं होना। और हाँ गाइज, आप लोगों ने जस्ट लाइक बोला था कि एवर स्टोन अगर तेरे पास है तो तू उसको जस्ट लाइक काइंड ऑफ दे सकता है अपने पोकेमॉन को, जिसके यूज़ करके तेरा पोकेमॉन ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, विकसित नहीं होगा, जो जिसको तू। और इस बंदे ने 40-40 एवरस्टोन, यार मतलब इस बंदे को मैं क्या बोलूँ। तो देखो गाइज, हम लोग चाहते हैं कि हमारा ब्यूजल विकसित ना हो, तो हम लोग उसको एवरस्टोन होल्ड करने को दे देंगे। एंड बाकी सारे पोकेमॉन तो मैं विकसित करने ही वाला हूँ, बट अभी हमारी टीम काफ़ी बुरी शेप में है, तो एक मिनट वेट करो, मैं पोकेमॉन हील करके आता हूँ। मेरे को फिर से रिटर्न जाना पड़ेगा और हील करके आना पड़ेगा, तब तक आपके लिए जस्ट लाइक वो चुटकी बजाने का काम है, तो तब तक आप वेट करो और मैं पोकेमॉन हील करके आता हूँ। ओके गाइज, मैं पोकेमॉन हील करके रिटर्न आ चुका हूँ। तो अभी हम लोग जस्ट लाइक, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पोकेमॉन फिर से हील हो चुके हैं। एंड चलो ट्राई करते हैं आगे जाके, यहाँ पे आई डोंट नो कितने सारे बैटल्स होने वाली है, लेकिन और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। ये गोल बैट से तो जस्ट लाइक मेरे को अभी हेट होने लगा है। मैं पिकाचू का यूज़ कर सकता हूँ, हाँ चलो ना मैं पिकाचू को यूज़ करता हूँ। यार मेरी पूरी टीम यहाँ पे फेंट हो रही है बार बार, फिर से रिटर्न जाके जस्ट लाइक हील करना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम लोग थंडर बोल्ट के साथ इनको घर पे भेज दे, यही होना चाहिए एक्चुअली इनके साथ। एक और गोल बैट आ जा, आई डोंट केयर। ओके चलो, मैंने इसको तो हरा दिया काफ़ी इजीली, यही अगर मैं पहले कर देता तो मेरे को रिटर्न इतना जाना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे चलो एक और, आई गेस ये लास्ट बैटल हो सकती है, उसके बाद सीधा जो भी है। एक और गोल बैट, ओके पिकाचू आ जाओ आप फिर से। सुपर सोनिक, ओके अटैक मिस हो गया, लेट्स यूज थंडर बोल्ट। एंड यहाँ पे हमारा काम काफ़ी इजीली हो रहा है। ओके ओके सही है सही है। एक और गोल बैट, ओके कितने सारे गोल बैट लेके घूम रहे हो तुम लोग, और इस केव में तुम्हारा प्लान क्या, आई डोंट नो। चलो जाके बात करते, ये कौन है, ए हु इज दिस, मार्स, ओके हाँ हा हा हा, यू आर लेट। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे ऐसे भाड़े का टट्टू आने नहीं, ये पोकेमॉन, लिटरली ये पोकेमॉन, इस पोकेमॉन को तूने लाने की हिम्मत कैसे की मेरे सामने। मॉनफेरनो किधर गया मेरा, वेट मैं दिखाता हूँ। पर गाइज इसके पोकेमॉन का लेवल देखो, और इसके भाड़े के टट्टुओं का जस्ट लाइक पोकेमॉन के लेवल देखो, इसके लेवल पोकेमॉन का लेवल 36 है, और इसके भाड़े के टट्टू जो रहते हैं जस्ट लाइक टीम स्टीम के मेंबर, टीम स्टीम नहीं जस्ट लाइक टीम गैलेक्टिक के टीम के मेंबर्स, उनके 42-43 लेवल्स, और इसके खुद बॉस के पोकेमॉन के लेवल 36 है, ऐसा कैसे। अभी ब्रॉन्जोर आ रहा है, ओके ब्रॉन्जोर के लिए हम लोग फ्लेम थ्रोअर यूज़ करेंगे, एंड सातवें जिम बैच के बाद मैं पोकेमॉन को इवॉल्व कर सकता हूँ आई गेस। नो वी ओनली स्कैन 60%, आई कांट पुल आउट येट, ओके बट आई डोंट स्टैंड अ चांस राइट नाउ, इट विल बी फाइन, वी कैन फाइंड द स्पीयर पिलर विद जस्ट दैट, ओके ग्रंट्स रिट्रीट, ओके आई गेस हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। चलो निकलते हैं यहाँ पे, मैक्स रिपेल खत्म हो गया, आई डोंट नो यहाँ पे वाइल्ड पोकेमॉन्स होंगे नहीं होंगे, लेकिन हम लोग हमारा जस्ट लाइक मैक्स रिपेल यूज़ कर लेते हैं। एंड आई गेस हमारा यहाँ पे काम हो चुका है, देखते हैं तू क्या बोल रहा है कुछ। ओके ब्रो फॉर बीटिंग मी आई वुड लाइक ऑफर टू दिस एग, ओके एग मिल रहा है अभी फिलहाल तो हम लोग नहीं लेंगे। अगर आपको पता रहेगा इस एग में क्या मिलेगा तो गाइज प्लीज़ मेरे को बता देना इस एग में क्या मिलेगा। एंड वैसे हम लोग फिर से अभी कैनल हो जाएंगे, एंड मे बी हम लोग अभी जस्ट लाइक जा सकते हैं, नहीं आइलैंड पे तो नहीं जाना हम लोगों को,
अरे नहीं जाना था आइलैंड पे, हम लोगों को फिर से कैना लेवल लेके जाओ। एंड अभी हम लोगों को आई गेस अभी हम लोग चैलेंज कर सकते हैं स्नो पॉइंट सिटी के जिम लीडर को, जो कि हम लोग ऑब्वियसली बातें करने ही वाले हैं। तो किधर गई दीदी? ओके एक मिनट, स्नो ये क्या ग्लिच है? स्नो पॉइंट सिटी का पहले आना चाहिए था यार, यहाँ पे आ ही नहीं रहा स्नो पॉइंट सिटी। वेट, ये क्या था? स्नो पॉइंट सिटी आना चाहिए यार यहाँ पे, ऐसा कैसे हो रहा है? और भी कुछ काम है क्या मेरा, बाकी रह गया क्या यहाँ पे? वेट अ मिनट, मेरे को कुछ समझा नहीं गाइस। स्नो पॉइंट सिटी में क्यों नहीं जा सकता? हम लोग कैनालेव तो आ चुके हैं, मैक्स रिपेयर मैं यूज़ कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक मिनट, मेरे को स्नो पॉइंट सिटी रिटर्न जाना है, मैं कहाँ से जाऊँ? यहाँ पे गेम सेव हो जाता है, ये मैंने नहीं किया, गेम सेव हो रहा है यार, गेम है ना ये, सेव क्यों हो रहा है? हो जाता है जस्ट लाइक। दीदी हमें प्लीज़ रिटर्न लेके चलो स्नो पॉइंट सिटी में। ये क्या है यार, स्नो पॉइंट सिटी जा ही नहीं सकते हम लोग। तो अभी मैं स्नो पॉइंट सिटी कैसे जाऊं? गाइस वेट करो, मैं आया जरा, मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वेटिंग, हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया हम लोगों को स्नो पॉइंट सिटी कैसे जाना है। हम लोगों को लिटरली डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दीदी हम लोगों को डायरेक्टली तो नहीं छोड़ रही है स्नो पॉइंट सिटी, तो हम लोगों को अभी इटरना सिटी जाके यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बुरी बात है, ऑब्वियस सी बात है यार, इतना फिर से चल के जाना पड़ेगा। एक मिनट, मेरे पास आई गेस साइकिल थी, तो चलो हम लोग साइकिल का यूज़ करके जाएंगे। यार साइकिल फंस जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऑब्वियस सी बात है साइकिल का यूज़ करके जाएंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे रिपेल ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग और मारेंगे, डोंट वरी। ये साइकिल चलाने में गेम अटक जाता है, उससे इट्स अच्छा है कि हम लोग जस्ट लाइक चल के जाए। अभी हम लोगों को यहाँ से, ओके यहाँ पे बैटल्स आ रही है, पहले तो बैटल्स नहीं थी यार। अभी आप मौका मिल रहा है तो जस्ट लाइक आप फ़ायदा उठाओगे, ऐसा ये सब हो रहा है। ओके एरियल एस, कुछ भी हो जाए मैं आज के एपिसोड में जस्ट लाइक 7वां जिम बैच तो हासिल करके ही रहूँगा। आर्मेडिलो, ये कौन सा पोकेमोन है? अच्छा ये आर्मल्डो, ये आई गेस स्टोन एंड बग टाइप है, तो स्टोन भी है बग टाइप भी है, क्या करूँ कौन सा यूज़ करूँ? आई गेस मॉनफेर्नो, लेट्स सी। मेटल क्लॉ ज़्यादा कुछ नहीं करेगा हम लोगों को। आप एक काम करो, हमारा फ्लेम थ्रोअर खा के देखो कैसा लगता है आपको। ओके कुछ नहीं लगा आपको? ओके ब्रिक ब्रेक, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। अरे यार ये पोकेमोन के सामने सुपर इफेक्टिव अटैक कौन से है? आई गेस फ्लेम व्हील। चलो दूसरा पोकेमोन तो गया, स्काई अपरकट सीख रहा है ग्लाइस करो। ओके काफ़ी अच्छा अटैक तो है ये, मतलब इसका एक्यूरेसी कम होती है, बट छोड़ो नहीं सिखाएंगे, वैसे ये इसका एक्यूरेसी कम वाले अटैक हिट नहीं होते हैं। यानमेगा, ओके यानमेगा के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्लेम थ्रोअर को, बट इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी, जस्ट लाइक उसने पहले हिट कर दिया, इसकी एबिलिटी स्पीड बूस्ट है ऑब्वियस सी बात है। चलो स्टारेप्टर आपका काम आ चुका है, लेट्स गो विंग अटैक। डबल टीम से अपनी इसने क्या कुछ तो बढ़ा दिया, जस्ट लाइक डबल टीम से हम लोग अपने कॉपी बना सकते हैं काइंड ऑफ। ओ माई गॉड, ये थोड़ी टफ बैटल क्यों लग रही है मेरे को? ये क्या हो रहा है यार, मेरे पोकेमोन यहाँ पे ही फेंड हो जाएंगे, तो आगे जाके मैं क्या लड़ूंगा? मेरे को क्विक अटैक यूज़ करना ही पड़ेगा अभी यहाँ पे। चलो क्विक अटैक अच्छी बात है कि हिट हो गया, नहीं तो बहुत बुरी नाक कटती हमारी। अभी पैरस आ रहा है, पैरस के लिए मैं यूज़ करूँगा ग्लाइस्कर को। एरियलिस, आई गेस ब्रो से टाटा बाय बाय। ओके इसको तो हमने हरा दिया है, आई होप कि मेरे को अभी फिर से रिटर्न इतना जाके जस्ट लाइक आगे, मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे बैटल्स हो सकती है, बट लेट्स जस्ट होप कि बहुत सारी बैटल्स ना हो, अगर होंगी तो प्रॉब्लम्स फेस होने वाली है बहुत सारी। ओके तो गाइस वेट करो, मैं ज़रा पोकेमोन हील कर लेता हूँ। ओके गाइस तो मैंने पोकेमोन हील कर लिया, तो चलो हम लोग फिर से आगे जाएंगे यहाँ से, लेट्स जस्ट होप कि यहाँ पे बैटल्स ना करने को हो।
एंड मैंने यहीं से पोकेमॉन हील किए थे। इनसे जस्ट लाइक आप लोग बात करके अपने पोकेमॉन हील करा सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू। एंड चलो हम लोगों को फिर से अभी जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स को हरा तो दिया है। हम लोग यहाँ से कोपचे कोपचे में से निकलेंगे एंड फिर आपको जस्ट लाइक ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई गेस हम लोग, एक मिनट, ये लड़की उस साइड क्यों देख रही है? हेलो, डोंट लुक एट मी। ओके ठीक है, अगर आप चाहती हो तो मैं नहीं देखूँगा। एंड अभी हम लोग आ चुके हैं लेक एक्यूटी के यहाँ पे। एंड ये इसके यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं स्नो पॉइंट सिटी। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बंदा था वो अभी नहीं है, तो अभी हम लोग जिम चैलेंज करेंगे। सबसे पहली बात तो सबसे पहले पोकेमॉन हील कर लेते हैं यहाँ पे नर्स जॉय से मिलके। क्या नर्स जॉय यार, वो लड़की है ना बाजू वाली, वो आनी ही नहीं देती यहाँ पे, टेलीपोर्ट होने ही नहीं देती यार। ये तो चीटिंग है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो चलो सीधा जिम बैटल करने के लिए जाएंगे और इसके बाद हम लोग जस्ट लाइक चेंज कर सकते हैं हमारे, मतलब इवॉल्व कर सकते हैं हमारे मोस्ट ऑफ द पोकेमॉन्स को, जो कि हम लोग ट्राई तो करेंगे। एंड इस ये एक आइस टाइप जिम होने वाला है, तो ग्लाइसगर को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, टॉर्टेरा को भी यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लोग मॉनफेरनो और पीकाचू के भरोसे हैं, तो सबसे पहले तो जस्ट लाइक मॉनफेरनो और पीकाचू को आगे रख देंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, ये ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है एंड दे आर वीक अगेंस्ट आइस, ऑब्वियस ही बात है। ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा अगर कोई पोकेमॉन्स की गेम खेलता है तो। तो चलो सीधा जाएंगे बैटल करने के लिए। लेट्स जस्ट होप कि हम लोग काफ़ी अच्छा करेंगे। इनके पास बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं, लेकिन फ्लेम थ्रोअर के सामने आई डोंट थिंक दे कैन सर्वाइव, जैसे कि मैंने बोला ही था, ऑब्वियस ही बात है। ग्लालाई, ओके, ये भी काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। ओके हटा ही दिया इसने, बट फ्लेम व्हील के सामने ये नहीं टिका, क्योंकि दिस पोकेमॉन इज़ 4 times वीक अगेंस्ट फायर टाइप मूव्स। एक्रोबैटिक्स, ओ माई गॉड, एक्रोबैटिक्स काफ़ी अच्छा अटैक है, तो मैं इसको ज़रूर सिखाऊंगा। फ्लेम व्हील हटा देता हूँ, क्या दोनों दो दो फायर टाइप मूव रख के क्या करूँगा ना, ऑब्वियस ही बात है। एक और ग्रैलाई, ओके ओके लेट्स गो। नहीं ये तो वही है पुराना वाला, मुझे लगा एक और है इसके पास। स्नो रंट, ओके, ब्रिक ब्रेक यूज़ कर ले, ओके प्रोटेक्ट यूज़ कर लिया, एक और ब्रिक ब्रेक, चलो इसका तो काम हो गया। नहीं नहीं मॉनफेरनो इसके बाद आपको इवॉल्व होना है, अभी नहीं। ओके आई गेस मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इधर गलत जगह आ गया। इसके पास एक ही पोकेमॉन है पिलोस्वाइन, लेट्स गो ब्रिक ब्रेक। थ्रैश आता है इसको, थ्रैश काफ़ी ओपी अटैक है अगर आपको नहीं पता, तो पता होगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन हाँ काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैं सबके साथ क्यों बैटल कर रहा हूँ आई डोंट नो। एक और ग्लाला है, ओके लेवल तो आप देख सकते हो हेड बैट के साथ मेरा, इसको तो डिफीट कर दिया है। तो हम लोग टॉर्टेरा, नहीं 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 टॉर्टेरा के साथ नहीं, पीकाचू आपकी बारी आ चुकी है यहाँ पे, जस्ट यूज़ थंडर बोल्ट एंड काम हो जाएगा अपना। स्नोवर, ओके इसके लिए भी थंडर बोल्ट काफ़ी होगा। स्नीसिल, ओके स्नीसिल ये भी काफ़ी क्यूट पोकेमॉन है गाइस। ओके गाइस हम लोगों ने इसको तो हरा दिया, हम लोगों को अभी जाना कहाँ पे है, क्या पता वहाँ पे पहुँचूँ कहाँ से मैं, मतलब पजल्स में मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन ट्राई कर सकता हूँ। वेट अ मिनट, मे भी हम लोग यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जा सकते हैं। चलो स्नीसल एक और पोकेमॉन, ब्रिक ब्रेक काफ़ी होगा इसके सामने, बिकॉज ही इज़ आइस टाइप एंड आइस टाइप इज़ वीक अगेंस्ट फाइटिंग टाइप। थंडर बोल्ट, मैं पोकेमॉन हील कर लूँगा इस बैटल के बाद एंड तब जाके चैलेंज करूँगा, ऑब्वियस ही बात है, बट वो पार्ट मैं स्किप कर दूँगा मोस्ट प्रोबेबली। एक और स्नीसल, ओके बहुत सारे स्नीसल हैं आपके पास। ओके हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो गाइस जस्ट वेट करो मैं पोकेमॉन हील करके आता हूँ। ओके थैंक यू फॉर वेटिंग, हम लोगों ने पोकेमॉन हील कर लिए, तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा बैटल करेंगे आई गेस। इसका नाम है कैंडल्स, ओके वेलकम टू माय जिम, आई सी यू हैव ओवरकम द कोल्ड टू गेट हियर, ओके पुशिंग योर सेल्फ टू योर लिमिट हेल्प्स यू ग्रो पास्ट इट, ओके प्रिपेयर फॉर अनदर वन ऑफ दिस चैलेंज, ओके
पहले तो मॉनफेरनो, फिर पीकाचू, एंड तीसरा पोकेमोन के लिए आई गोना चूज स्टारेप्टर। ओके, और भी बहुत सारे पोकेमोन यूज़ कर सकते हो, तो चलो टॉरटेरा आ जाओ तुम भी। एंड कंफर्म, लेट्स सी क्या होगा। कैंडस को जस्ट लाइक हरा देंगे हम लोग आई गेस। मॉनफेरनो के लिए ये काफ़ी इजी होगा। ओके, किसने कोई तो अटैक किया, लेकिन आई डोंट नो इसका यूज़ क्या होता है। मेडिचैम, ओके मेडिचैम यहाँ पे क्या कर रहा है। मेडिचैम के लिए हमारे पास स्टारैप्टर है, ओके बट वो तो आइस टाइप नहीं हुआ ना, बट कोई बात नहीं, लेट्स गो एरियलिस। कन्फ्यूजन आता है आपको, ओके और स्टारैप्टर कन्फ्यूज भी हो चुका है, लेकिन आई होप आप, चलो कोई बात नहीं, मेरे पोकेमोन कन्फ्यूजन में भी मेरी बात सुनते हैं। स्टारैप्टर 40 लेवल का हो चुका है, ओबामा स्नो आ रहा है। ओबामा स्नो के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मॉनफेरनो को, क्योंकि ही इज़ 4 times सुपर इफेक्टिव ना, ऑब्वियस ही बात है यार। एंड यूज़ करेंगे फ्लेम थ्रोअर का, लेट्स सी वन शॉट किल हो पाता है कि नहीं। जी हाँ, क्रिटिकल हिट लगी एंड मॉनफेरनो 47 का हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो स्नोवर को हम लोग अभी जस्ट लाइक हराने के लिए फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करेंगे। चलो, इसको तो काफ़ी इजीली हरा दिया है मैंने। नहीं, मॉनफेरनो अभी इवॉल्व नहीं होगा, मैं करूँगा उसको इवॉल्व। हम लोगों को आइसिकल बैच मिल चुका है, ओके सही है। यर हैव दिस TM2 ब्लिजार्ड, ओके। अभी हम लोगों को पुश योर सेल्फ इफ़ यू ट्राई हार्ड थिंग्स, ओके। बताया तो नहीं मेरे को जाना कहाँ पे, बट ओके आई गेस मेरे को खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। तो गाइज, अभी हमारे पास 7 बैच तो आ चुके हैं, तो अभी हम लोगों को आई गेस 8वें बैच के लिए जस्ट लाइक काइंड ऑफ घूमना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैंने मैक्स रिपल यूज़ नहीं किया, लेकिन आई गेस हम लोगों को अभी जाना है कोई तो सिटी होगी ना, आई गेस पेस्टोरिया सिटी जाके देखते हैं। चलो यहाँ से जस्ट लाइक काइंड ऑफ, हाँ हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। एक मिनट, मेरे को पता चल गया आई गेस हम लोगों को अभी कहाँ पे जाना है। पहले तो हम लोगों को मैक्स रिपल मारना पड़ेगा, वेट करो। हम लोग लिटरली वहाँ पे जा सकते हैं, हाँ हाँ याद आ गया मेरे को कहाँ पे जाना है। यहाँ पे हम लोगों को बस इसको थोड़ा सा पार करना है काइंड ऑफ। यहाँ पे एक मेरा पोकेबॉल छूट गया था क्या, ओके HP अप, ओके सही है। इसके साथ बैटल हो चुकी है आई गेस हमारी, हाँ जी हाँ। मैं खामखा जैसे लाइक डर जाता हूँ, डर नहीं जाता, मेरे को रिटर्न बैटल करने में कंटाल आता है। अभी हम लोग चुके हैं लेक, ये क्या नाम था, वेलोर लेक फ्रंट, ओके। यहाँ पे अगर आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा तो हम लोगों को इस साइड जाने की परमिशन नहीं थी, बट क्या हम लोग अभी जा सकते हैं। देर इज़ अ पावर सर्च कमिंग फ्रॉम दैट वे, आई एम सॉरी दैट, ओके ओके हम लोग वहाँ पे भी नहीं जा सकते अभी भी, ओके। तो जाना कहाँ पे हम लोगों को गाइज, वेट करो, मेरे को थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। आई गेस यहाँ पे पोकेमोन सेंटर तो नहीं है, तो क्या कहाँ कहाँ पे जाऊँ मैं, लिटरली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, अकॉर्डिंग टू यू गाइज, एक मिनट, समझ गया मेरे को कहाँ पे जाना है। ये गेम है ना, बीच में सेव हो जाता है यार, लिटरली गुस्सा देता है। समझ गया मेरे को कहाँ पे जाना है। गाइज यू जस्ट वेट एंड वॉच, मैं आपको बताता हूँ हम लोगों को क्या करना है। मैं कितना गधा हूँ यार, हम लोगों को लिटरली फिर से वहीं पे जाना है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये पहले तो ये दीदी को हटने दो, ओके समझ में आ गया यार, मेरे को रिटर्न स्नो पॉइंट सिटी में ही जाना पड़ेगा। एंड होप प्लीज़ फॉर गॉड सेक प्लीज़ हम लोगों को वहाँ पे टेलीपोर्ट कर दे, मैं रिटर्न वहाँ पे चल के नहीं जाना चाहता, प्लीज़। ओके थैंक गॉड, हम लोगों ने इस सिटी का ऊपर वाला पार्ट तो एक्सप्लोर ही नहीं किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ओके ये रहा पॉल, ओके आई कांट बिलीव इट, आई लॉस टू यू, ब्रैंडन कोन है, ओके यू डिड योर बेस्ट, योर पोकेमोन आर ट्रेंड वेरी वेल, बट यू लेट योर इमोशंस बिट्रे यू ड्यूरिंग द बैटल, ओके लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड यू कैन ट्राई अगेन, ऑफ कोर्स थैंक यू सर, ओके। ब्रैंडन कौन है, ब्रैंडन आई गेस क्या पता कौन है। कुड यू मूव असाइड पॉल, आई बिलीव आई सी एन एक्यूटेंस ऑफ माइन, हेलो अगेन ओमकार, ब्रैंडन बोल रहे, ओके सो यू आर हियर चैलेंजिंग जिम लीडर्स, ओके आई एम हियर टू ट्रेन एंड सी रेजी जी एस, ओके पॉल दिस इज अ फॉर्मर चैलेंजर ऑफ माइन, ओके आई गेस मैं इसको जानता हूँ ब्रैंडन को, ओके ये कौन है, अगर आपको पता रहेगा गाइस तो बता देना, एंड वन ऑफ माई फ्यू टू विन, ओके पॉल बोल रहे वॉट यू हैव बिटन ब्रैंडन, ओके ऑल राइट आई विल एडमिट यू हैव सम स्ट्रेंथ, मीट मी एट लेक एक्विटी लेटर, आई विल मीट योर टीम इन फुल बैटल, ओके
हेलो अगेन ओमकार, दिस इज स्नो पॉइंट टेम्पल वेयर रिलीजियस लाइज। वी सर रिसेंटली हैड इंसिडेंट विद हंटर वेकिंग इट अप। ओके ओके, आप लोग कैरी ऑन करो। हम लोगों को अभी जस्ट लाइक काइंड ऑफ चैलेंज किया है ना हम लोगों को पॉल ने, तो हम लोग ऑब्वियस ही बात है पॉल का चैलेंज एक्सेप्ट करके हम लोग लेक एक्यूटिक यहाँ पे जाएंगे। लेकिन ये लुकर यहाँ पे क्या कर रहा है? हेलो, आई एम इन्वेस्टिगेटिंग टीम गैलेक्टिक। I have discovered you have encountered team them few times. Okay, yes, yes, yes. I see. Very fascinating. Thank you. That will be quite helpful. Who I am? My code name is Luker. I am the detective working for International Police. I have taken up enough of your day. Okay, though. Thank you for your help. Okay. ठीक है, मेरे को क्या है मतलब? Luker तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था कि होना चाहिए था क्या पता? लेकिन guys, आई गेस इसके बैटल के बाद मैं मेरे सारे पोकेमोन्स को, मतलब जो जो पोकेमोन इवॉल्व होने वाले हैं उनको इवॉल्व कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर हाँ आई गेस क्या पता। बट इसी आई गेस जहाँ तक मुझे याद है इसी के बाद पोकेमोन ऐश के इवॉल्व होते हैं। तो रेडी रहना, अभी एक बहुत भयंकर बैटल आने वाली है उसके लिए। तो चलो आई गेस मैं रेडी हूँ, तो चलो देखते हैं। सो यू आर फाइनली हियर, शो मी यूर फुल स्ट्रेंथ। ओके, ओमकार वर्सेस पॉल, लेट्स सी। 6 vs 6 पोकेमोन टॉर्टेरा लेवल 47 का। ओके ओके, नो इशू नो इशू, वी आर गोइंग विद फ्लेम थ्रोवर, फ्रेंजी प्लांट। ओके, बट आई गेस हम लोग इसको इजीली हरा देंगे। ओके चलो, एक पोकेमोन डाउन, एक्सपीरियंस तो देखो कितना मिला। हॉर्नक्रो, ओके हॉर्नक्रो के लिए मैं पिकाचू का यूज़ करूँगा क्योंकि वो काइंड ऑफ एडवांटेज रखता है इसके ऊपर। इवन दो लेवल में तो हमारे पास एडवांटेज ही एडवांटेज है, बट क्या करे यार, मेरी गलती नहीं है ये। तीसरा पोकेमोन मैंने नाम भी नहीं पढ़ा, ग्लाइसगर तू आ जाएगा। इस मैंने तीसरा पोकेमोन का नाम भी नहीं पढ़ा कौन सा था। ओ मैग्मोटार, मैग्मोटार के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फेंट अटैक, बट इसकी फ्लेम बॉडी है जो कि जला देगी मेरे को। ओके सॉरी, हम लोगों को पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा। ब्यूजल, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? अरे रे, ब्यूजल तो बोल रहा है कि बहुत बुरी हालत है ब्यूजल की यहाँ पे खुद ब खुद। ओके, इसका फ्लेम थ्रोअर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके चलो पॉल, तेरे को एक दांत तो देनी पड़ेगी कि तेरे पोकेमोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारे पोकेमोन भी जस्ट लाइक पानी कम चाय नहीं है। मैंने इसको तो हरा दिया है। ओके, अभी एक वेवाइल आ रहा है, वेवाइल के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फायर टाइप मूव्स या फिर फाइटिंग टाइप मूव्स भी काम कर जस्ट लाइक कर लेंगे। तो क्यों ना हम ब्रिक ब्रेक के साथ जाए। मेटल क्लॉ ज़्यादा कुछ नहीं करेगा मेरे को, ब्रिक ब्रेक आई गेस काफ़ी होगा इसके लिए। ओके तो सही है, अर्सरिंग, अर्सरिंग के लिए भी हम लोग इसी को रखेंगे। ब्रिक ब्रेक, लेट्स सी, मेरे को लगा ही था दो लगेंगे और मेरा पोकेमोन फेंट हो गया। ओके एक मिनट, मैं नहीं चाहता, मैं पिकाचू को रखूँगा यहाँ पे सबसे पहले तो। और मेरे पास रिवाइव है क्या? एक मिनट, आई गेस मेडिसिन में रिवाइव होंगे। हाँ, चार चार है रिवाइव, तो हम लोग रिवाइव कर लेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर वो फेंट हो जाएगा तो फिर वो हील नहीं होगा। आई गेस हील मतलब ये इवॉल्व नहीं होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। क्या रे तू मुझे मारेगा? हाँ मतलब मेरे पिकाचू को मारेगा। इलेक्ट्राबस, इलेक्ट्राबस के लिए भी काफ़ी होगा कि प्रोटेक्ट यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं। हम लोग फिर से एक ब्रिक ब्रेक यूज़ करके इसके सारी हड्डी फसली कर देंगे आई गेस। दैट बैटल, ओके। तो गाइज अभी हम लोग हमारे इन्फरनेम को इवॉल्व होने के लिए जस्ट लाइक कमांड दे सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ऐश का इन्फरनेम इसके बैटल के बाद इवॉल्व हुआ था। क्या पता अगर अगर गलती से अगर इसके बाद या फिर इसके पहले इवॉल्व हुआ रहेगा तो छोटा भाई या फिर बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दो, और क्या कर सकता हूँ। क्लोज कॉम्बैट सीखना चाहता है ये भी, ये पोकेमोन। आई गेस आपको क्लोज कॉम्बैट की कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी ब्रिक ब्रेक है। दैट वॉज अ स्पेक्टेकुलर बैटल, I look forward for seeing you in Sinnoh League. Okay, you still have one more badge to get, don't you? Try the Sunny Shore Gym and get there from the Valor Lakefront. Okay, I will be going now. Don't disappoint me next time. I see you, bro. यहाँ पे तू हार चुका है, so मैं तेरे को disappoint नहीं, तू मेरे को disappoint कर रहा है. For your kind information. लेकिन कोई बात नहीं, just like वो तो है ही, मतलब Paul तो है ही ऐसा, हमारे राइवल एक मतलब होती ही सब ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी हम लोगों को जाना है आई गेस, क्या करूँ आई गेस। एक मिनट, मैं किसी कौन से इसमें आ गया, हम लोगों को फिर से पेस्टोरिया सिटी भेजो जरा। पेस्टोरिया सिटी में आ गया ना यहाँ पे। ओके तो गाइज वेट करो, आई गेस आज के एपिसोड में यही पे एंड करूँगा क्योंकि
अभी हम लोगों को लेक वेलर फ्रंट में जाना है, उसके बाद हम लोग काइंड ऑफ आगे शनिसोर सिटी में जाएंगे, जो कि हमारा जहाँ पे हमारा जस्ट लाइक वहाँ पे मेरे को सबसे पहली बात तो एक गिबल पकड़ना है, फिर उसके बाद ही मेरी पूरी टीम चेंज हो जाएगी आई गेस। मेरे को बस ग्लाइजर को हटाना है, उसकी जगह गिबल लाना है, एंड मेरी बाकी पूरी टीम तो तैयार ही है। इसको इस बेचारे को मेरे को इवॉल्व नहीं करना, ड्यू टू एश ने भी नहीं किया था इसलिए। तो आई होप गाइस आपको आज का एपिसोड देखने में मज़ा आया, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, एंड अगर कोई टिप्स है या फिर कोई भी जस्ट लाइक अपने कोई भी मतलब अगर कोई हेट कमेंट है या फिर कोई प्यारी कमेंट है तो कम जस्ट लाइक कमेंट छोड़ के जाओ, एंड मतलब वीडियो कैसे लगा वो बता के जाना, और कुछ नहीं बस आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई। मैं बोलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को जस्ट लाइक मतलब आप लोग नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए भी रिटर्न आओगे। तो चलो मैं बोलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। ओ ले ले ले, इतनी प्यारी शक्ल।